नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट से जुड़ी एक और खास वीडियो में। छोटे में हम बात करेंगे यार पंजाब टीम के बारे में। जी हाँ, पंजाब टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी आईपीएल 2024 के लिए, आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। क्योंकि यार देखिए, 7 से 8 खिलाड़ियों का खेलना अब लगभग तय हो चुका है। अगर हम पंजाब टीम की बात करें तो यार पिछले साल से इस बार की टीम में कई ज़्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं। टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि मैदान पर इनका प्रदर्शन कैसा होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आईपीएल का आ चुका है आधा। पहला मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई वर्सेस आरसीबी के बीच में, जो कि 22 मार्च को होगा। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो ये खेला जाएगा दिल्ली वर्सेस पंजाब के बीच में, दोपहर 3:30 बजे मुलानपुर के स्टेडियम पर। और ये पंजाब टीम का पहला मुकाबला होगा आईपीएल 2024 का। ऐसे में आइए जानते हैं किन खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। जो प्लेइंग 11 मैं आप सभी लोग को दूंगा, उसमें 1 से 2 बड़े बदलाव होने के चांसेस कन्फर्म है, और हो सकता है वो लास्ट में पंजाब की टीम फैसला ले। लेकिन अगर हम पंजाब टीम के बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो उनका खेलना लगभग तय है। अगर हम सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करें तो देखिए, टॉप ऑर्डर में शिखर धवन ओपनिंग करेंगे, जो कि पंजाब टीम के कप्तान हैं। इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये होने वाली है इस साल कि कम से कम 10-15 ओवर तक ये अपने आप को क्रीज पर मौजूद रखें, यानी कि एक ओर से अपना विकेट बचा कर रखें, और इसके अलावा दूसरे एंड से बाकी खिलाड़ी अपना नेचुरल क्रिकेट खेलें। क्योंकि इस आईपीएल में शिखर धवन के विकेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पिछले साल हम सब ने देख लिया था इनके आउट होते ही टीम पूरी तरह बिखर जाती है, लगातार विकेट्स गिरते रहते हैं। ऐसे में शिखर धवन के ऊपर सबकी निगाहें होंगी इस सीज़न। हालांकि हम इनके पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर 90% चांसेस है कि जॉनी बेस्टो ओपनिंग करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, जॉनी बेस्टो जुड़ गए हैं। हालांकि इनके पास फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन अब पंजाब की टीम ने रिटेन किया है तो बेशक इन्हें मौका देगी। शिखर धवन और जॉनी बेस्टो की ओपनिंग जोड़ी हो सकती है। हम नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर देखिए लड़ाई है अथर्व टाइडे और इसके अलावा प्रभ सिमरन सिंह के बीच। अगर हम कौन खेलेगा, किसके ज़्यादा चांसेस है, तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों का डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा गया था। हालांकि यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह के पास थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि पिछले साल इन्होंने 1 शतक लगाकर अपना हुनर दिखाया था, तो हो सकता है इन्हें नंबर 3 पर मौका दिया जाए। तो भैया मामला बड़ा टाइट है, लेकिन देखते हैं किसे मौका मिलता है। आप लोग अपनी राय बताइए कॉमेंट सेक्शन में। नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर खेलेंगे लियम लिविंगस्टन, ये भी जुड़ चुके हैं पंजाब टीम से, प्रैक्टिस कर रहे हैं जमकर। 5 की बात करें तो यहाँ पर खेलेंगे जितेंद्र शर्मा, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर अपनी जगह बना रहे हैं। नंबर 6 पर खेलेंगे सैम करन। अभी जो नंबर 7 की पोजीशन है, देखिए यहाँ पर एक बड़ा चेंजेस हो सकता है। हरप्रीत ब्रार खेल सकते हैं। अगर हरप्रीत ब्रार खेलते तो इन्हें थोड़ा बैटिंग में डेप्थ देना होगा, नहीं तो फिर हो सकता है पंजाब की टीम ऋषि धवन के साथ जाए, या इसके अलावा तनय त्यागराजन, मतलब कि ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दे सकती है पंजाब की टीम इस पोजीशन पर। शशांक सिंह को दे सकती है, जो कि एक ऑलराउंडर तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करके दे सकते हैं स्पिन की, और बैटिंग तो अच्छी खासी कर लेंगे। तो ये जो नंबर 7 की पोजीशन है, यही एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कौन खेलेगा। तो फिलहाल के लिए हम नंबर 7 पर रखते हैं हरप्रीत ब्रार को। 8 पर हर्षल पटेल, जो कि बैटिंग में भी योगदान दे सकते हैं। 9 पर खेलेंगे कागिशोर अबाड़ा, 10 पर अर्शदीप सिंह, और 11 पर राहुल चहर। ये हो सकती है पंजाब टीम की प्लेइंग 11। अगर हम इनके 4 ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करें तो देखिए लियम लिविंगस्टन और कागिशोर अबाड़ा का खेलना कन्फर्म है। हालांकि सिकंदर रजा और सैम करन में कॉम्पिटिशन टाइट है। यहाँ पर सैम करन को इतना पैसा दिए तो इनके चांसेस इस वजह से थोड़ा ज़्यादा बन रहे हैं, और सिकंदर रजा को शायद से मौका नहीं मिले पंजाब टीम के प्लेइंग 11 में। और 4th ओवरसीज खिलाड़ी जॉनी बेस्ट हो सकते हैं, या तो फिर राइली रोसू। बाकी इसके अलावा आप सभी लोग को बता दें, अगर प्रभ सिमरन सिंह ओपनिंग करते हैं तो फिर नंबर 3 पर हो सकता है राइली रोसू को खिलाया जाए, और फिर हो सकता है जॉनी बेस्टो बेंच पे बैठे। लेकिन इसके चांसेस बहुत 50-50 है, मैं आप सभी लोगों को कंफर्म नहीं कर सकता। बाकी इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आपकी क्या राय है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।